आप सबका फिर से स्वागत है इस मटेरिया मेडिका मिशन मटेरिया मेडिका सीरीज में। आज हम एक दिलचस्प रेमेडी जो हम कॉलेज डेज से पढ़ते आए हैं, नेट्रम म्यूर, नमक, कॉमन सॉल्ट या NaCl, इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं, आज इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, थोड़े से अलग तरीके से इसको जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ बातें आपको मालूम भी हो तो रिविजन हो जाएंगी, और जो बातें मालूम नहीं है वो एक अलग तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। सो मैं हूँ डॉक्टर स्मिता जोशी और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अगले आधे घंटे। सो नमक के बारे में हमको मालूम है कि ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इसका बहुत बड़ा महत्व है, और ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो पानी के बाद नमक सबसे ज्यादा पाया गया है। सो पुरातन कालों से लेके नमक बहुत ही कीमती चीज मानी जाया करती थी। इनफैक्ट ये सोने के जैसे, इसका भाव सोने के जैसे था। सो बहुत पुरातन कालों से हमको नमक का महत्व सभी को मालूम है, और आप सब जानते हैं कि हमको नमकीन ये स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। और एक चुटकुली की तरह एक जानकारी आपके लिए कि पहले के दिनों में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ऐसा मानना है या ऐसे कहा गया है कि सॉल्ट टैक्स लगाया गया था लुई द 16th के टाइम पे, और इसके ऊपर से बड़ी सी लड़ाई हुई थी और वहां से हुई थी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और ऐसे भी बोलते हैं कि चाइनीज ये लोग जो है वो सॉल्ट के, जैसे हमारे सिल्वर कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ऐसे सॉल्ट कॉइन्स रहा करते थे। और पुराने कालों में रोमन्स को सैलरी, और ये सॉल्ट वहीं से आया है ये नाम, सैलेरियम या सैलरी, लोगों को जैसे हमको अभी एक सैलरी दी जाती है, उन जमानों में सॉल्ट दिया जाता था एज सैलरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और ये सॉल्ट नेट्रम म्यूर जो हमारे मटेरिया मेडिका का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण ड्रग है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो ये आपको मैं पीरियोडिक टेबल को ले जाना चाहूंगी ये दिखाने के लिए, जो NaCl है ये हमारे पीरियोडिक टेबल के थर्ड रो पे, और ये सॉल्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17, ये जब साथ में आते हैं तो NaCl बनता है या सॉल्ट। सो थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ मैं ध्यान आपका ले जाना चाहूंगी। आप अगर देखते हो ये इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये आउटसाइड रिंग में आप देखेंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। तो जब ये साथ में आता है तो सोडियम देना पसंद करता है और क्लोरीन लेना पसंद करता है। तो ये एक बहुत ही अजीब जो है, आपको ये नेट्रम म्यूर ड्रग में भी दिखेगी, यानी एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन, जो एक साइड सोडियम है और दूसरी तरफ क्लोरीन है, और ये एक साथ आने की वजह से आपको इस सॉल्ट में बहुत सारी खूबियां दिखेंगी जो हम आगे चल के जानेंगे। थोड़ा सा फिजियोलॉजी, हमारे बॉडी में सॉल्ट का क्या महत्व है और किस तरह से सॉल्ट क्या चीज करती है, कैसे हमारे बॉडी में हेल्प करती है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान जान ले। तो हमारे बॉडी में हर एक लिक्विड, हर एक सेल में सॉल्ट ये है। तो सॉलिड पार्ट हो या लिक्विड पार्ट हो, हमारे बॉडी में सॉल्ट का महत्व है। और हमारे बॉडी सेल्स जो हैं, ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये कॉम्बिनेशन को जिस तरह से इजिली ले सकते हैं अंदर, उस तरह से बाकी के सॉल्ट्स को उतनी आसानी से नहीं ले सकते। और ये सॉल्ट या नमक NaCl जो है, नेट्रम म्यूर जो है, ये हमारे शरीर के सभी सेल्स, सभी फ्लूइड्स का जो एक टेंशन रहता है, जो बैलेंस रहता है, वो मेंटेन करता है,
और हमारे रक्तदाब को एक तरह से ये बैलेंस में रखता है। सो इसीलिए ये ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जो हमारे बॉडी में जो सॉल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 11 ounces, इसका इसकी जो क्वांटिटी है वो अराउंड 11 ounces है। और समझो हमारे बॉडी शरीर का जो सॉल्ट कंटेंट है अगर बढ़ भी जाए तो हमारी किडनीज इतनी सक्षम है कि ये एक्सक्रीट कर देती हैं। तो आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट इसका बहुत बड़ा महत्व है। सो इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं सोडियम और क्लोराइड, इन दोनों का भी बहुत बड़ा महत्व है अलग अलग से। सो आप देखोगे कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रोलाइट और ये मिनरल भी है, खनिज भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट घटक भी है हमारे शरीर के सॉल्ट फ्लूइड्स का और सॉल्ट्स का भी। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो मसल्स और नर्व्स हैं हमारे बॉडी के, इसको ठीक तरह से चलाने के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो क्वांटिटी रहनी चाहिए सोडियम लेवल्स, हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं तो 135 to 145 mEq जिसको बोलते हैं मिली इक्वेवलेंट्स होनी चाहिए। और क्लोराइड, इसी जैसे सोडियम का महत्व है इसी तरह से क्लोराइड का भी महत्व है। और ये भी हमारे बॉडी में बैलेंस रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस भी रखता है। और जो स्टमक के गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, आप सभी लोग जानते हो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके जो अन्य सॉल्ट्स हैं इससे बना हुआ है। और ये नॉर्मल जो लेवल्स है हमारे बॉडी में वो 96 to 106 mEq क्लोराइड लेवल होनी चाहिए। तो हम जब सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, नाट्रियम म्यूर के बारे में बात करते हैं, तो हमको मालूम रहना चाहिए कि जो हम खाते हैं सॉल्ट, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, बहुत से लोग आजकल सी सॉल्ट भी खाते हैं, तो इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट अलग रहता है। जैसे नेचुरल पानी, जैसे सी कलेक्ट होके इवेपोरेट होने के बाद हमको सी सॉल्ट मिलता है, उसी तरह से टेबल सॉल्ट जो है ये प्रोसेस होने के बाद हमको मिलता है। इसको बहुत हीट करना पड़ता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट पूरी तरह से निकाल देते हैं। जैसे कि सी सॉल्ट में थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट रहता है और इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की संख्या सी सॉल्ट में ज्यादा है। और ये ट्रेस मिनरल्स जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बॉडी को बाकी के जो मिनरल्स है ये देने में सहायता कर सकती है। वैसे स्टेबल सॉल्ट जो है उसमें ज्यादा केमिकल्स है, इसका रिफाइंड, इसका एक प्रोसेस होता है, इसकी एक ट्रीटमेंट होती है पोटेशियम और सोडियम को लेके। और मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार इसमें आयोडाइड भी डाला जाता है, इसको आयोडाइज्ड सॉल्ट, ताकि जहां कहीं इसकी मात्रा कम है आयोडीन की, ये इसकी कमी टेबल सॉल्ट पूरी कर देती है। और इसमें आप देखेंगे कि टेबल सॉल्ट में डेक्स्ट्रोज, सोडियम बाइकार्बोनेट और कलर भी डाला जाता है। तो थोड़ा सा आगे नैट्रियम म्यूर के बारे में जानने के पहले, आप सभी को मालूम है फिर भी रिपीट करेंगे कि इसके यूजेस क्या है। हम जानते हैं कि सॉल्ट के बिना, नमक के बिना टेस्ट ही नहीं है। और अचारों में ये डाला जाता है, हर एक फूड जिसको बहुत देर तक रखना होता है प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। ये टैनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, डाई ब्लीच बनाने में, पॉटरी, सोप और केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि जो प्रोसेस फूड्स हैं, जो बाहर के फूड्स हैं, ये प्रिजर्वेटिव की तौर से यूज किया जाता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट। सो बहुत बार हम हमारे पेशेंट्स को बोलते भी हैं कि बाहर का खाना कम कीजिए क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल के सॉल्ट होते हैं। सो ये थी कॉमन जानकारी। और इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना फेवरेट ड्रग जो हम कॉलेज से पढ़ते आए हैं उसके बारे में जानेंगे, और वो है नैट्रियम म्यूर। सो जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि ये Na और Cl, सो 11th, सो ये फर्स्ट कॉलम है
और ये 17th कॉलम है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 और ये 17 है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सॉल्ट है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल के जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है वो जानेंगे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इसको अच्छी तरह से जान लेंगे तो हम एक अलग इसका नजरिया इसको देखने का जानेंगे और हम ये बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे कंप्लेंट्स में यूज कर सकते हैं। जो हम पढ़े थे कॉलेज में उसके साथ वाली ये जो जानकारी है ये हमको बहुत उपयोगी पड़ेगी। तो जैसे ये पीरियोडिक टेबल पे बहुत काम किया गया, यान शॉल्टन है, डॉक्टर शंकरन है, डॉक्टर गांधी है, इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल पे काम किया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल रोज से बना है और कॉलम्स से बना है, ओके। तो ये जो 7 रोज हैं पीरियोडिक टेबल के, ये हर एक रो का एक महत्वपूर्ण है। जैसे पहला रो है जो इसकी जो इश्यूज होती हैं, जो पेशेंट हमारे सामने आता है वो हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस यानी वो इस पृथ्वी पे क्या करने आया है उसके बारे में ज्यादा बोलता है। जो सेकेंड रो के जो ड्रग्स हैं या जो मिनरल्स हैं, जो रेमेडीज हैं, ये सभी थोड़े से आपको थोड़ा सा उनमें बचपना दिखेगा। ये लोग जो बोलेंगे अपने बारे में ज्यादा बोलेंगे, इनको बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया के बारे में मालूमात नहीं है। और जो थर्ड रो का जो इशू है वो ज्यादा करके नरिशमेंट। अभी आपने देखा कि जो नैट्रम्यूर है ये खाने में डाला जाता है, जैसे खाना टेस्टी बने। तो खाना हम लोग जब हम किसी को केयर करते हैं, किसी आदमी के बारे में हमको उसका ध्यान रखना होता है, तो हम उसके लिए अच्छा खाना बनाते हैं। सो ये जो रो है ये आइडेंटिटी, केयर और नरिशमेंट, यानी इस व्यक्ति का जो मूल जो आइडेंटिटी है, जो हमको उसकी देखभाल करनी है, इन इश्यूज के बारे में ये रोज के जो मिनरल्स हैं ये इसके बारे में बात करते हैं। और बाकी के जो हैं, जो 4th, 5th, 6th, 7th रो, आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम आगे के लेक्चर्स में, सेशंस में इसके बारे में बात करेंगे। और ये आपने जो देखा कि नैट्रम म्यूर का जो सोडियम है ये 1st रो में है और क्लोरीन जो है ये 7th रो में है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे आप देखोगे कि ये डेवलपमेंट बढ़ते जाएगा हर एक मिनरल में, हर एक आदमी में जिसको ये रेमेडीज दिया जाएगा। तो लेफ्ट साइड के जो मिनरल्स है जैसे सोडियम है, ये अपने आप को बहुत इनकेपेबल समझता है, बहुत छोटा समझता है। और वही जो 17th कॉलम जो क्लोरीन है वो अपने आप को काबिलियत तो है उसमें, पर वो छोड़ देने की राह पे रहता है। अब मेरे से जुड़े रहिए, थोड़ा सा मैं नैट्रम म्यूर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो आपने जैसे देखा पीरियोडिक टेबल में कि सोडियम जो है वो रो 3 और कॉलम 1 के मीटिंग पॉइंट पे है, और सोडियम नैट्रम म्यूर के सभी जो इश्यूज हैं कि मैंने तो जन्म ले लिया है, मैं सेपरेट हूँ मेरे माँ से, पर मुझे ही मालूम नहीं मैं कौन हूँ। और जैसे आगे जाएगा, जैसे ये आगे हम जाके देखेंगे, ये जो रेमेडीज है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये जो रेमेडीज हैं इसमें, इन सभी रेमेडीज में आप एक एक अलग अलग छटा देखते जाएंगे। सो जैसे आगे बढ़ेंगे हम रो में, राइट हैंड साइड में, इनकी डिपेंडेंसी जो है ये कम होते जाएगी, पर इन अ वे ज्यादा भी बढ़ सकती है। जैसे इनिशियली जो सोडियम है ये बहुत ही डिपेंडेंट है, और ये कोई भी इसका जो कोई भी पर्सन है इसको एक पार्टनर हमेशा चाहिए। ये अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है, अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट है। और इसीलिए आप देखोगे कि नैट्रम म्यूर ये पर्सनालिटी भी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। और क्लोरीन जो है इसका एलिमेंट, इसका ऑपोजिट है। जैसे नैट्रम सोडियम को अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है,
और क्लोरीन में अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई है, और इसको इसको ऐसा बोलना है कि मेरी आइडेंटिटी तो है पर अभी मैं क्या करूं, आप लोग मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो और मेरा ट्रस्ट तोड़ रहे हो, और ये ईगो डेवलपमेंट भी लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाता है। सो आगे चल के देखते हैं कि आपने समझा कि नैट्रम में स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, इसके लिए ये पकड़ के रहता है, बाहर तो आ गया है, अपनी माँ से तो ये छूट पाया है, पर इसको डर है कि मैं अब रह सकता हूँ क्या, इसीलिए ये हमेशा किसी और पे ये लैच ऑन होगा, किसी को पकड़ के रखेगा। और जो कॉलम 17 है, जो क्लोरीन है, आप देखोगे कि आपने देखा था इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका एटॉमिक नंबर 17 था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्लोरीन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा है नैट्रियम योर की हिसाब से, तो हमेशा क्लोरीन को एकदम ट्रैप, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, और मुझे कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ, ऐसा फीलिंग हमेशा रहता है। और क्लोरीन का फीलिंग है कि मुझे किसी ने चोट पहुंचा दी हो, या मुझे किसी ने तकलीफ दी हो, मुझे किसी ने फंसाया हो, तो हमेशा क्लोरीन का जो है 17th कॉलम में है, तो क्लोरीन हमेशा छूट जाना चाहता है, गैशियस फॉर्म में है, तो हमेशा वो कोई भी रिलेशनशिप के बाहर निकल जाना चाहता है। तो आप देखोगे कि नैट्रियम म्यूर इस रेमेडी में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, एक साइड में नैट्रियम है, सोडियम है जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्लोरीन है जो जकड़ के नहीं रहना चाहता, और साथ में NaCl सॉल्ट है जिसमें ये आपको दोनों इश्यूज दिखेंगे। तो मैं आपको एक आगे जाने के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं आपको एक केस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पेशेंट्स में ये कैसे दिखेगा। तो आप देखोगे कि नैट्रियम म्यूर का जो पेशेंट है वो हमेशा किसी पे निर्भर होके रहता है। तो मेरे पास एक लड़की आती थी, 23 इयर्स की थी, एंजाइटी कंप्लेंट्स के लिए आती थी ये। तो उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि उसने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो वो हमेशा अपने आप को अकेला समझती थी, और उसको कोई ना कोई चाहिए होता था, तो उसको एक फ्रेंड मिल गया जिसके साथ वो 7 साल उसका रिलेशनशिप रहा, और वो कहती थी कि मैं इसके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ, मुझे ये आदमी चाहिए, अगर ये है तो मुझे अच्छा लगता है। सो आप देखोगे कि ये इतनी डिपेंडेंट है, और जब उसको समझ में आने लगा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसने तोड़ दिया ये रिलेशनशिप, और जब इसने तोड़ दिया तो ये जी नहीं पाई, और उसकी तकलीफ वहां से शुरू हुई। और यही स्टोरी नैट्रियम म्यूर की है कि ये रिलेशनशिप्स के भूखे हैं, जिस दिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप छूट जाता है, टूट जाता है, इनकी सभी तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखोगे कि ये रेमेडी ऐसे जैसे हमने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से पढ़ा है, जैसे नैट्रियम म्यूर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर डिसअपॉइंटेड लव, क्योंकि इनको लव यानी किसी पे निर्भर होना इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो व्यक्ति नहीं हो, वो व्यक्ति इनके लिए माँ पिता, इनको जो नर्चर करेगा, वो ही एक व्यक्ति मेरे जिंदगी में ना हो तो मैं, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, तो इनको ऐसे लगता है। तो थोड़ा सा आगे चल के नैट्रियम म्यूर के बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं और जनरलिटी। सो आपने देखा कि सॉल्ट नैट्रियम म्यूर हमारे बॉडी में इसका क्या महत्व है, ये हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो न्यूट्रिशन है, जो खान पान है, जिसका जो पोषण है, वो इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में ले जाए, सॉल्ट ले जाए, तो इसमें बॉडी फूल जाता है, ड्रॉप्सी इडिमा बन जाता है, और ये ब्लड पे भी इसका इफेक्ट हो जाए। तो ये कम मात्रा में रहे तो एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। सो जो मेन आज हम ये जानेंगे कि ये मेन जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है या मेन रीजन्स है जहाँ नैट्रियम म्यूर इफेक्ट करता है, तो पहले तो हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जो माइंड है,
उसके बाद आता है लिवर, स्प्लीन, फिर हार्ट और बाकी के जो आगे हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि न्यूट्रिशन, हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो डायबिटीज के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है, ये लिवर पे काम करता है। और मेनली आप देखोगे नैट्रमयूर जो पेशेंट है ये बहुत दुबला पतला रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और इसकी इन जनरल आप देखोगे कि इसके बाल बहुत ऐसे रफ रहते हैं, इसका चेहरे का जो रंग है बहुत ऑयली रह सकता है, उड़ा हुआ रह सकता है, इसके पेट ठीक नहीं रहता है और हमेशा पानी ये बहुत चाहता है और सॉल्ट इनटेक इसका बहुत ज्यादा रहता है। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और माइंड, अभी हम आगे चल के इसका माइंड भी देखेंगे कि इसके माइंड के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सभी जो कंडीशंस हैं जहाँ हमारे शरीर से जो फ्लूइड हमारे शरीर का है वो निकल जाए, इन सभी कंडीशंस में नैट्रमयूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है। तो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया या जैसे डिहाइड्रेशन हो गया किसी वजह से, बहुत धूप में हो और आपने पानी नहीं पिया है, जहाँ के शरीर के वाइटल फ्लूइड्स निकल गए हों, या लेडीज की महावारी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से लॉस हुआ हो, या सीमन निकल गया हो, तो इन सभी कंडीशंस में नैट्रमयूर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसकी एक विशेषता है कि ये जो नैट्रमयूर पेशेंट होता है वो अच्छी तरह से खाता है पर उसका जो वजन है वो बढ़ता ही नहीं। और हम हमारे आजू बाजू बहुत बार देखते हैं कि बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं या इवन जो एल्डरली लोग होते हैं उनका आप देखोगे कि नेक बहुत इलॉन्गेटेड है, नेक इमेसिएटेड है। वैसे तो वो थोड़े से हेल्दी भी होंगे पर नेक इलॉन्गेटेड है, ऐसे लोगों के लिए दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। और ऐसे बच्चों में भी ये बहुत काम करता है। और बहुत बार थायराइड के कंप्लेंट्स में जब ये आपको सिम्टम मिलेगा कि अच्छी तरह से मैं खा रही हूँ पर मेरा वजन नहीं गेन हो पा रहा है और मेरा इमेसिएशन गले की तरफ है, सो आप नैट्रमयूर के बारे में डेफिनेटली सोचिए। और इसके साथ हम जब डीडी सोचते हैं तो दो रेमेडीज और आती हैं जहाँ आप ये सिमिलर देखोगे बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, एब्रोटैनम है और आयोडम है। और नैट्रमयूर पेशेंट जो है इसकी जो टेंडेंसी है ये बहुत जल्दी कोल्ड कैच कर लेता है, बहुत जल्दी इसको खांसी हो जाती है और इसमें ये कैल्केरिया कार्ब और काली कार्ब के नजदीक जाता है। तो आगे चल के देखते हैं कि ये और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नैट्रमयूर के बारे में। तो नैट्रमयूर पेशेंट जब कभी आएगा तो हमेशा बताएगा कि वो किसी भी प्रकार से अगर गुस्सा हो जाता है, किसी ने उसको ठीक तरह से बात नहीं किया, किसी ने, वो बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट है, सो कोई भी उसको कुछ भी कर दे तो एक तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा कभी कभी बोल नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नैट्रमयूर ठीक तरह से ये गुस्से को निकाल नहीं पाता है और उसकी वजह से उसको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। और बाकी जो है बहुत ज्यादा सॉल्ट खाने से जिनको कोई बीमारी होती है उसमें नैट्रमयूर ये बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है। और ऐसा देखा गया है कि कॉटरी जो यूज करते हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, तो कोई भी कॉटराइजेशन, जैसे बैड इफेक्ट्स ऑफ, आप देखोगे सिल्वर नाइट्रेट क्रीम यूज किया जाता है बहुत बार, या पहले के जमाने में आई कंप्लेंट्स के लिए यूज किया जाता था, तो अगर ये यूज करने के बाद पेशेंट को अगर तकलीफ होती हो तो आप इसको नैट्रमयूर के कुछ डोजेस से डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो। और कोई भी प्रकार का एंगर या सैडनेस, कोई भी प्रकार से, जैसे कोई बंदा बहुत दुखी हो या कोई बंदा बहुत एंग्री हो, गुस्सा आया हो पर व्यक्त नहीं कर पाया और दुखी हो, या उसने उसका कुछ मन मुटाव है उसने रख दिया हो, ये सभी इसकी वजह से जो कंप्लेंट्स आती है उसमें नैट्रमयूर बहुत अच्छी तरह से सहायता दे सकता है। तो चलिए माइंड, नैट्रमयूर का जो माइंड है ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें,
और ज्यादा करके हमको जब पेशेंट हम देखेंगे तो नैट्रोम्यूर माइंड बहुत अच्छी तरह से हम लोग कैच कर पाएंगे। तो ये नैट्रोम्यूर बंदा जो है, आप इसको कुछ भी बोल दो, ये बहुत सेंसिटिव होने की वजह से ये जल्दी भूल नहीं पाता है। ये रखेगा अपने दिमाग में, रख रख के ये पानी हो जाएगा, पर ये भूलेगा नहीं। आपने कुछ भी किया हो जिंदगी में इसकी तरह, पर ये भूलेगा नहीं। तो ये छोड़ेगा भी नहीं और भूलेगा भी नहीं। और ये सोच सोच के इतना रोता है, इतनी रोती है, और पर इसकी विशेषता ये है किसी के सामने नहीं रोएगा। और अगर आप जाके इसको सहानुभूति दे दो नैट्रोम्यूर के पेशेंट को, लेडी को, तो ये आप पे चिल्लाएगी, आप पे बरस पड़ेगी। तो इसका जो लेडीज हैं या जो पर्सनालिटीज हैं, जहाँ पे बहुत रिजर्व है, बता नहीं पाते, बहुत अंदर रखते हैं, बहुत ज्यादा जूझते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है इसकी वजह से, एंगर की वजह से, उसमें डेफिनेटली नैट्रोम्यूर ये रेमेडी हम सोचेंगे। और कई बार जैसे हमने देखा कि दो ऑपोजिट पोलैरिटीज हैं, एक जगह नैट्रियम है, एक जगह क्लोरीन है, तो इसमें बहुत मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस देखोगे। तो एक बार कभी ये बहुत ही खुश रहेंगे या एक बार बहुत ज्यादा दुखी होंगे। सो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आपके यहाँ कुछ पेशेंट और ऐसे सिम्टम्स अगर हो तो आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। और आप देखोगे कि ये जो व्यक्ति है, एक तो ये हमेशा सोचने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा थिंकिंग है, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि किसी ने मुझे क्या तकलीफ दी, क्या किया मुझे, और ये जो आइडिया उनके मन में कि मैं इसको कैसे दूं, समझो लैटिसेस है, तो वो ऐसे सोचेगा और वो दे भी देगा, पर नैट्रोम्यूर ऐसे कर नहीं सकता। आपने देखा कि ये थर्ड रो में बच्चों जैसा इनका बिहेवियर कभी कभी रह सकता है। तो ये दे नहीं पाते, गिव बैक नहीं कर पाते, इसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं, और उसकी वजह से ये ब्रूडिंग टेंडेंसी जो है वो वहां से आती है। ये रिवेंजफुल रहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। और इसकी वजह से आप देखोगे कि ये मेमोरी लॉस इनमें हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बार वही वही चीज सोचते हैं। और बहुत बार नैट्रोम्यूर लेडीज स्पेशली देखेंगे तो एक रूब्रिक है रेपर्टरी में, मैनिश हैबिट्स ऑफ फीमेल्स या मैनिश गर्ल्स। सो ये थोड़ा सा इनका टेंडेंसी है कि ये लड़कों जैसा व्यवहार करते हैं, सोचते हैं कर नहीं पाते। तो ये नैट्रोम्यूर की खासियत है। और बहुत बार इनको जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, इनसे थोड़ा सा हेट्रेड रह सकता है बिकॉज ऑफ प्रायर एक्सपीरियंसेस। और एक जो नैट्रोम्यूर पर्सनालिटी हमेशा बताएंगी, जो जब कभी हम हेडेक के बारे में सोचेंगे, कोई पेशेंट आके अपने को बता देगा, अगर कोई बच्चा बताएगा, स्पेशली स्कूल जाता हुआ बच्चा, बच्ची स्पेशली, तो आप जरूर नैट्रोम्यूर के बारे में सोचिएगा। और ये नैट्रोम्यूर की हेडेक की जो विशेषता है कि एक तो बहुत, जब पढ़ाई बढ़ जाती है बच्चों की, या बहुत बार ये लोग धूप में जब निकल के आते हैं, चलते चलते आते हैं, तो ये हेडेक उसकी वजह से, और वो आपको बताएगा कि ये एक तो ये हेडेक जैसे हैमर टक 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 ऐसे दुखता है। और ये हेडेक, और एक इसकी विशेषता ऐसी है कि ये जनरली फीवर्स के टाइम भी इनको हेडेक रहता है, और ये सुबह से लेके शाम तक ये हेडेक रहता है, शाम के बाद हेडेक चला जाता है। और बहुत बार ऐसे हो सकता है कि स्पेशली लेफ्ट साइड का हो। और माइग्रेन में आप सभी को मालूम है कि ये बहुत अच्छी दवाई है, और इसमें थोड़ा सा अंधेरा, जिगजैग मूवमेंट दिखता है, और थोड़ी देर के बाद, रेस्ट करने के बाद, लाइट बंद करने के बाद ये चला जाता है। बहुत बार पेशेंट आपको बताएगा कि ये जो हेडेक है, मुझे अगर यहाँ पसीना आ गया, या मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, फास्टिंग की वजह से ये हेडेक आ सकता है, और खाना खाने के बाद इनको आराम आ जाता है। पर ये जो टंग है, आप देखोगे नैट्रोम्यूर का, ये टिपिकल हम कॉलेज से पढ़ते आए हैं कि ये जोग्राफिकल टंग इसको बोलते हैं, या रिंगवर्म ऑन द टंग, मैप्ड टंग इसको बोलते हैं।
तो इसमें बाकी की भी दवाइयां हैं। और ये टंग आप देखोगे कि ये पेशेंट बहुत बार बोल नहीं पाएगा, थोड़ा सा हैवी लगता है इनको टंग, ये बात करने के टाइम इनको थोड़ा सा वो मोड़ने में डिफिकल्टी आती है, तो आपको इनकी स्पीच थोड़ी सी थिक लगेगी, हैवी लगेगी। और ये बहुत बार बताएंगे, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ अटका हुआ है और मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो बाकी के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसा टंग दिखे या ओनली ऐसा टंग दिखे, तो प्लीज आप नैट्रोम्यूर इस दवाई के बारे में सोच सकते हो। ये और एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो स्किन और हेयर कंप्लेंट्स के लिए, यानी एलोपेशिया जो आफ्टर प्रेगनेंसी पाई गई है, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। और ये आपको बताएंगे, स्पेशली लेडीज आपको बताएंगी कि जब ये वीनिंग शुरू कर रहे हैं या प्रेगनेंसी में जैसे लेटर पार्ट की तरफ, या बच्चा अभी फीडिंग बंद कर दिया है बच्चे ने, तभी जिसको टिलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं, वो जब बहुत झड़ने लगता है बाल, दिस इज वन ऑफ दी मेन रेमेडीज। और उसके साथ अगर बाकी के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरा आजकल चिकना हो गया है, मेरे नेल्स टूटने लगे हैं, क्रैक्स आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है, आप सोच सकते हो उसके बारे में। और एक स्किन की जो विशेषता है नैट्रोम्योर की, तो पेशेंट आपको जब बताएगा कि वॉट्स जो हाथ पे, जो पाम्स पे वॉट्स हैं, तो फॉर दैट नैट्रोम्योर बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और आप देखोगे कि ये बहुत अच्छी रेमेडी है सोरियासिस, और स्पेशली स्कैल्प सोरियासिस, जो मार्जिन या बॉर्डर या यहाँ पे जो पाया गया है उस सोरियासिस के लिए ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और ये एक्जिमा आप देखोगे कि स्पेशली आपको पेशेंट बताता है कि डॉक्टर हम लोग ना ट्रिप के लिए गए थे, हम लोग बीच पे गए थे और वहां से आने के बाद मुझे तकलीफ शुरू हो गई है, या बच्चे बोलते हैं आपको, और आप देखोगे बुक्स में मेंशन है कि सीशोर एग्रवेशन और आपको बहुत बार एमिलियोरेशन भी दिखेगा। तो वहां जाने के बाद बहुत बार या पेरेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब इसको एक्जिमा हुई थी और वहां जाने के बाद ठीक हो गया। और ये बहुत ही अच्छी दवाई है फॉर अर्टिकेरिया, और जो एक्सरसाइज के बाद ददोड़े आते हैं अर्टिकेरिया, इसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। और आपको मालूम है कि बच्चों में जो हैंग नेल्स हैं, जिनको ये ऐसे निकालने की आदत है, इसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है। और नैट्रोम्यूर पेशेंट का जो स्किन होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, और उसकी वजह आपने देखी है कि अगर बॉडी में सॉल्ट की मात्रा, उसका इम्बैलेंस हो, मॉइस्चर लेस हो, तो स्किन ड्राई हो सकता है। ये ड्राइनेस की वजह से नैट्रोम्यूर पेशेंट्स में स्टूल बहुत, जो इनका जो स्टूल्स रहते हैं वो ड्राई, थोड़ा सा हार्ड रहता है, डिफिकल्ट रहता है, और एनल एरिया पे वहाँ ऐसे फटा हुआ सेंसेशन आ सकता है, और बहुत बार इनको गैसेस की भी तकलीफ हो सकती है। सो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ इसका जो पेन है, ये नाइट्रिक एसिड की तरह बहुत शार्प शूटिंग पेन है, सो ये बहुत अच्छी रेमेडी कॉन्स्टिपेशन के लिए, फिशर्स के लिए भी है। और यूरिनरी कंप्लेंट्स जो नैट्रोम्यूर के हैं, क्योंकि नैट्रोम्यूर पेशेंट बहुत शाय है, बहुत ही सेंसिटिव है, जिस रूम में अगर कोई रहा हो, अगर टॉयलेट है जहाँ आजू बाजू समझो लोग बैठे हो, तो पेशेंट जा नहीं पाता है, बहुत देर तक रुकेगा, अगर उसको आवाज सुनाई दे रही है तो वो पास नहीं कर पाएगा, और उसकी जो ऑपोजिट एंड, तो आप देखोगे कि ये दोनों स्पेक्ट्रम, जैसे कुछ चीजें ये कर ही नहीं पाएगा, दूसरे साइड पे इनवॉलेंट्री यूरिनेशन भी हो सकता है। और ये जो जेनाइटल कंप्लेंट्स हैं, जैसे हमने सेपिया में देखा है कि ये लेडीज हैं, आपको बताएंगी कि मुझे ऐसे क्रॉस लेग बैठना पड़ता है, क्योंकि हर सुबह मैं जब उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्रस निकल जाएगा या कंटेंट्स निकल जाएंगे। और
जो मेल्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जब एक्चुअली कांटेक्ट रखते हैं कि सेमिनल एमिशन्स हो जाएंगे या एमिशन रिटार्ड हो जाएगा या उनके ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस ये लोग महसूस करते हैं। और ये हमारा फेवरेट रूब्रिक हम पहले से देखते आए हैं और हमको पेशेंट्स हमेशा बताते हैं कि नाट्रमयूर पेशेंट जो है वो बहुत इनसिक्योर रहता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, अपने पार्टनर पे डिपेंड होता है, अपनी फैमिली पे डिपेंड होता है। नाट्रमयूर पेशेंट जो है उसके लिए अपनी फैमिली जो है, अपने लोग जो है, उसकी आइडेंटिटी उस पे, उसका वजूद जो है उन पे निर्भर रहता है। तो हमेशा उसको ऐसे लगता है कि कोई ले जाएगा, कोई उसके घर में आके घुस गया है और वो ले जाएगा। और ये क्लोरीन एलिमेंट से भी आता है। और एक जो इम्पोर्टेंट रूब्रिक है जो आपको पेशेंट बताएगा कि उसको सपने आते हैं एज इफ बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी है और वो प्यास बुझा नहीं पा रहा है और उसको बियर खाने पीने का मन लग रहा है। तो ये जो दो तीन सिम्टम्स हैं, जैसे हम हमेशा बैक पेन जब हम सोचते हैं तो एक रेमेडी जो हमारे ध्यान में आती है सेपिया, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। रस्टॉक्स, हमेशा जब हम सपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो एक रेमेडी जो बहुत इम्पोर्टेंट है इन दोनों के जैसे ही, जैसे रस्टॉक्स सेपिया, जहाँ पेशेंट को सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। आप अगर देखोगे नाट्रमयूर आपको हमेशा बताएगा कि कोई भी चीज में मुझे सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आपका पेशेंट आया और उसने कहा कि बैक पेन में सपोर्ट से मुझे आराम आता है, मैंने अगर बांध लिया तो मुझे अच्छा लगता है, और बाकी के अगर सिम्टम्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, तो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी विच वी कैन थिंक ऑफ। और उसके साथ में जो पाम्स है नाट्रमयूर पेशेंट के, सिलिका के जैसे बहुत गर्म है हाथ लगाने से और बहुत ज्यादा उस पे पसीना आता है। और पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में ना कट कट आवाजें आ रही है। तो इन स्पेसिफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई भी कंप्लेन में ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये बिगनिंग है, तो आप ये रेमेडी नाट्रमयूर डेफिनेटली सोच सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि अभी के ये इन कोविड दोनों एपिडेमिक्स में जो फर्स्ट रन रहा, जो सेकेंड रन रहा, लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल, नाट्रमयूर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी रही है। तो बहुत बार कोई आपका जो फीवर है पूरी तरह से जा नहीं रहा है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप अगर कुछ डोजेस नाट्रमयूर के दे दो तो ये ओल्ड ट्रीटेड फीवर्स बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। और ये फीवर की विशेषता ऐसी है कि एक तो हमने पहले पढ़ा कि हेडेक रहता है फीवर में, और दूसरी चीज आप देखोगे कि ये फीवर ब्लिस्टर्स आते हैं जैसे यहाँ पे पूरा सा हर्पीस, कोल्ड हर्पीस के जैसे, और लिप्स ड्राई, और दोनों लिप्स पे आपको क्रैक दिखेंगे। हमेशा बोलते हैं कि लोअर लिप पे क्रैक दिखेगा, पर आप जो पेशेंट देखोगे तो दोनों लिप्स पे आपको क्रैक दिखेगा। और बहुत बार ये जो सन फीवर जैसे बोलते हैं या सन हेडेक, सन में बहुत देर रहने से, धूप में बहुत देर रहने की वजह से जो फीवर आता है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और ये आपको मालूम है कि नाट्रमयूर पेशेंट्स में सॉल्ट का क्रेविंग बहुत रहता है और इनको फैटी फूड जो बहुत वेट फूड है, तो आपको पेशेंट आके बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे सूप्स जो है या ऐसे बहुत चिकनाई है वैसे फूड्स पसंद नहीं है, मैं ड्राई फूड ज्यादा पसंद करता हूँ, जैसे क्रंची फूड है, जैसे राइस है, मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूँ, करती हूँ। और इसका जो टिपिकल टाइम है या चीजें हैं, सुबह से लेके शाम तक तकलीफ बढ़ेगी, सी शोर या सी साइड तकलीफ बढ़ेगी, बहुत बोलने से या सन से धूप में जाने से इसकी तकलीफ बढ़ेगी। आपने देखा कि हेडेक के कंप्लेंट्स पढ़ाई जब बढ़ जाती है तो बढ़ सकती है। और ओपन एयर जैसे पल्सेट इलाके जैसे ही बाहर आप चले जाओगे तो ये पेशेंट को आराम रहता है। और फास्टिंग ये ऐसा रेमेडी है जिस पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ खाया नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा,
और राइट साइड सोने से आराम आता है, इसका जो अफेक्शन है इट इज अफेक्टेड साइड, राइट साइड अगर अफेक्टेड है तो इसको अगले साइड में आराम आएगा। जैसे ब्रायोनिया का पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर मेरा लेफ्ट साइड दुख रहा है, पर मैं अगर राइट साइड दुख रहा है, राइट साइड में मैं सो जाऊं तो आराम आएगा, पर ये पेशेंट आपको बताएगा कि जिस साइड दुख रहा है उसके ऑपोजिट साइड लेट जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जब ट्रीटमेंट देते हैं कि हमें मालूम रहना चाहिए कि कौन सी रेमेडीज नैट्रमोर के पहले देना है, कौन सी रेमेडीज नैट्रमोर के बाद देना है। सो एपिस जो है ये नैट्रमोर के पहले भी अगर इंडिकेटेड हो तो आप दे सकते हो, जैसे कि अर्टिकेरियाज है, और बाद में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और इग्नेशिया पेशेंट जो हैं, जिन पेशेंट्स को आपको सिम्टम्स इग्नेशिया के लगते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर पाइल्स के लिए, अगर फिशर्स के लिए आपने इग्नेशिया दिया है पर आपको लग रहा है कि इग्नेशिया कवर नहीं कर पा रहा है, ये सिम्टम्स फिर से आ रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, तो आप नैट्रमोर एज अ क्रॉनिक एनालॉग आप सोच सकते हो। आप इसको सेपिया के कॉम्प्लीमेंट्री, सेपिया और थूजा आप सोच सकते हो। और एलन्स की नोट्स में ऐसे मेंशन किया गया है कि अगर हेडेक्स में आपने नैट्रमोर बहुत बार दिया गया हो और पेशेंट को आराम नहीं आ रहा हो तो आप जरूर नक्स वॉमिका के बारे में सोचिए। और एक रेमेडी है जो हम आगे बात कर सकते हैं, जो नैट्रमोर से बहुत मिलता जुलता है, सी वाटर, दैट इज एक्वा मरीना। एक्वा मरीना के फीचर्स बहुत ही मिलते जुलते हैं नैट्रमोर से। ये बहुत ही दिलचस्प रेमेडी है, बहुत ज्यादा प्रूव की नहीं है तो इसके लिए यूज नहीं होती। अगर हम आगे चल के इसके बारे में कभी टाइम मिले कोई सेशन में, एक्वा मरीना के बारे में जरूर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये नैट्रमोर के जैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है। और ये यूज करने से इन जहां हमको लगता है कि नैट्रमोर इंडिकेटेड है नॉट हेल्पिंग, वी कैन थिंक ऑफ एक्वा मरीना, हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। तो ये थी जनरल जानकारी नैट्रमोर के बारे में। और अभी नैट्रमोर चाइल्ड, ये एक रीकैप है, आपको जो सभी चीजें हमने पहली बताई थी वो बच्चों में दिखेंगी। जैसे हमने बताया था न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो इनके नेक, इनका जो नेक है पतला सा रहेगा, अंडरवेट होंगे, खाएंगे, इनका एपेटाइट अच्छा रहेगा पर ये लोग इनकी इनका वजन नहीं बढ़ेगा, हमेशा रोते रहेंगे, पेशेंट की माँ आके बोलेगी ये डॉक्टर साहब ये इतना रोता है बच्चा कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, एक कोने में जाके बैठ के रोता है, किसी को अपने पास आने नहीं देता। अगर ये रो रहा है और हम जाए इसके पास तो ये हमको धुतकार देगा। इनके माइलस्टोन्स बहुत डिलेड होते हैं, बात करना लेट करते हैं, चलना लेट करते हैं। और आप देखोगे जो हमने पहले भी बात की थी, इनका टंग मैप्ड रहेगा, हैंग नेल्स रहेंगे, हेडेक्स इनमें होंगे और ये बहुत ही चिड़चिड़े रहते हैं और इनको पसंद नहीं है कि आप इनके पास आए, इनको टच करें। आपको अगर कहीं ऐसा बच्चा दिखा तो डेफिनेटली आप नैट्रमोर के बारे में सोच सकते हो। तो एक रिकैप, अभी तक हमने जो देखा नैट्रमोर के बारे में कि ये एक बहुत ही ऐसी दवाई है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये पॉलीक्रेस्ट है जिसका सर से लेके पैर तक ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे और जिसपे यूज नहीं है। इसके हर एक एक्शन इसका हर एक पार्ट पे है और इसके लिए ये बहुत सारे डिजीजेस में इसका बहुत उपयोग है। और अगर आप नैट्रमोर जान लोगे, उसके बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप अलग सॉल्ट्स नैट्रम ग्रुप के, जैसे नैट्रम फॉस, नैट्रम सल्फ, जो कोई है नैट्रम कार्ब, आप नैट्रम सिलिकेटा, आप इसको भी बहुत अच्छी तरह से प्रिस्क्राइब करना सीख सकते हो। और आपको ये जो मैंने कुछ चीजें बताई इसके माइंड के बारे में और ये फिजिकल्स के बारे में, अगर आप थोड़ा सा मास्टरी कर लोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से नैट्रमोर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और जो कोई पेशेंट जो बहुत इमोशनल है, जिसके
जो पेशेंट्स बोलेंगे कि मेरे मूड स्विंग्स हैं, मैं कभी बहुत शांत रहता हूँ, बहुत ही गुस्सा हो जाता हूँ, तो जरूर आप ऐसे पेशेंट्स में नैट्रोम्यूर के बारे में सोचिए। तो ये था नैट्रोम्यूर के बारे में कुछ जानकारी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना हो, तो आप चैट में जरूर मेंशन करिएगा। आपको ये लेक्चर सेशन कैसा लगा वो भी मेंशन कीजिए। और आप मिशन मटीरिया मेडिका चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए। हम ऐसे जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज है लाते रहेंगे, और हमारा साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।